अनुष्का स्ट्रेट चलो थैंक यू। 2 महीने केप टाउन में थे एंड बहुत मजा आया एंड फाइनली फिनाले है एंड आई होप द बेस्ट वन विन। मैं बहुत 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 मिस करूंगी ये जर्नी क्योंकि एज मैंने कहा कि मैंने बहुत मज़ा किया है एंड ये जो एक ऐसा एडवेंचर है जो आप कहीं और नहीं आपको मिल सकता। तो फाइनली ये जो शो है मतलब हमारा फिनाले है आज, तो बहुत बुरा भी लग रहा है, बहुत इमोशनल भी हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी कि यू नो खतरों के खिलाड़ी इस सीज़न में मैंने यू नो पार्टिसिपेट किया और इतनी मेमोरीज बनाई, इतने सारे स्टंट्स किए, अपने आप के बारे में इतना कुछ पता चला, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सॉरी, ये सीजन किसके नाम होगा अगर पर्सनली? मेरे हिसाब से सबने अपना अपना बेस्ट दिया है, आप एक जन को बोल ही नहीं सकते, इस बार इतने सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे, सबने अपना बेस्ट दिया है, तो आई थिंक एवरीबॉडी हैज डन अ ग्रेट जॉब। डरते और संभलते यू नो अनुष्का, आखिरकार ये जर्नी यू नो अब एंडिंग पर है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ऐसा लगा कि थोड़ा बेटर परफॉर्म कर लेती तो ज्यादा अच्छा लगता है? सो ऑनेस्टली बहुत यू नो बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आए थे एंड बहुत ज़्यादा ऐसे एडिट्स बने जिसमें सब इतने प्राउड फील कर रहे थे मेरे फैंस की यू नो, क्योंकि मैं सबसे यंगेस्ट थी, 18 साल की उम्र में मैं गई केप टाउन एंड मेरे को जेन्युइनली लगा था कि मैं फर्स्ट वीक में ही आउट हो जाऊंगी क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, सब में से लाइक सब 6 फुट के हैं, सब इतने बड़े हैं मेरे से, सब इतने फिटनेस फ्रीक हैं, बट आई मेड इट टिल द 7th वीक विच मीन्स कि मतलब मैं 14 एपिसोड्स में थी, सो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड आई नो फ्रॉम माई हार्ट कि मैंने 200% दिया एंड माई फैन know that, so I'm very happy. और कब? भाई लुकिया सेंटर, सेंटर देखिए, मैं यहाँ पे हूँ। राहुल भाई सेंटर आपके सामने, राहुल भाई इधर इधर इधर। आप लोग मुझे राहुल भाई क्यों बोल रहे हो? राहुल जी, राहुल जी, बाबा, क्या बोलूँ? बाबा, 3, 2, 1, बाबा, राहुल बाबा सेंटर। ये चल इंटरव्यू ले लो फटाफट फटाफट, सवाल पूछो। जूम जूम भाई, जूम भाई, सर सर थोड़ा थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, हां हां, चलो थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे टीम, प्लीज टीम पीछे आइए, थोड़ा बोल भाई, नहीं 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 भाई इधर, हां भाई इधर, चलो चलो राइट में, एक मिनट थोड़ा, बस 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 अरे ये भाई सर प्रधान पीछे चाहिए, थोड़ा पीछे पीछे आइए प्लीज, पीछे आइए प्लीज, नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो नीचे बैठो, चलो रोल रोल रोल। बहुत एक्साइटेड हूँ, एक बहुत ही सुपर हिट शो जो हम सबको उसका हिस्सा बनकर बहुत खुशी हुई है, मुझे पता नहीं था कि ये शो इतना ज़्यादा, इसकी मैसिव रीच है, इस देश का, सिर्फ इस देश का ही नहीं, आई थिंक दुनिया का हर बच्चा इसको देखता है, बड़े इसको देखते हैं, बुजुर्ग इसको देखते हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मॉल में वहाँ पर लोग खतरों खिलाड़ी देखते हैं, लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये शो देखने के लिए बहुत मज़ा है, करने के लिए उतना मज़ा नहीं है, करते वक्त मुझे उतना पर्सनली मज़ा नहीं आता, इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिंग, वेरी टैक्सिंग शो, बड़ा मुश्किल शो है ये फिजिकली, बट आज हमारा फिनाले है, कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर शो, बेटर टीम एंड बहुत खुशी हो रही है। जो होना होता है वो होता है, ये होता तो अच्छा होता है, वो सब मैं सोचता नहीं हूँ, जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है एंड अगर होना होता तो हो जाता। मेरे हिसाब से सबसे टफेस्ट कंटेस्टेंट है, सबसे सॉलिड है वो एक लड़का है राहुल वैद्य, तो मुझे लगता है वो सबसे कमाल का उसने परफॉर्म किया है एंड आई थिंक ही इज द बेस्ट परफॉर्मर इन द शो। ओके ओके, राहुल जी के साथ में अगर विनर की अगर बात करें, रोहित शेट्टी ने कहीं ना कहीं हल्का सा खुलासा कर दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित सर ने खुलासा कर दिया जी, ऐसा कुछ हमें लगा है सर, नहीं तो मैं अभी सर से जाके पूछता हूँ, सर हमें भी बताइए।